Hi everyone, so in this video we will be solving or maybe discussing the solution of problem C, which is Keshi's is throwing a party from the recent Code Forces global round, which happened I think yesterday, right? Or maybe technically day before yesterday. Yeah, so let's start. Uh, so, problem statement.

ठीक है ऐसे करके वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके एन लोग हैं और इनकी वेल्थ भी इतनी है जो इनका नंबर है ना जैसे कि फर्स्ट पे जो बंदा है उसके पास एक ही कॉइन है यू कैन से कॉइन से हम लोग वेल्थ बता रहे हैं उसके पास एक ही कॉइन है इसके पास दो कॉइंस हैं इसके पास थर्ड कॉइन है राइट तो इस टाइप से तुम्हारे तो पास एन लोग हैं और इनकी वेल्थ भी उतनी है अभी तो कंस्ट्रेंट मतलब हर हर बंदे का एक कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट मतलब हर बंदे के लिए तुम्हें ए मतलब ए और बी दिया हुआ है अभी ए आई बी आई क्या है

ये जो ए है ना ये ये बता रहा है कि इस बंदे के लिए एटमोस्ट ये ल, ये बंदा कितने लोगों को अलाउ कर रहा है कि यार मुझसे तुम रिचर हो सकते हो और मैं उदास नहीं होऊंगा मतलब ये हैप्पी रहेगा है फिर भी समझ तो में आ रही है बात जैसे अगर तुमने इनको बुलाया ना तो इसमें वन से कितने लोग रिचर हैं तो मैंने बोला फाइव है सेवन है नाइन है रिचर है तीन लोग तो क्या ये एटमोस्ट थ्री है मतलब तो क्या ये लेस देन और इक्वल टू ये ए आई है तो मैंने बोला हाँ तो वन हैप्पी रहेगा बट है। अगर तुम यहाँ पे सिक्स को भी इन्वाइट करते हो ना तो फिर वन से कितने लोग रिचर हो गए तुम बोलोगे फोर और ये फोर इससे बड़ा हो गया ना तो फिर वन अनहैप्पी हो जाएगा हर बात समझ में तो ऐसा मतलब हर हर एलिमेंट का और मे बी यू कैन से हर जिसका फ्रेंड है ना उसके लिए कंस्ट्रेंट है ए आई और बी आई ए आई क्या है कि एटमोस्ट इतने लोग ही अगर तुम इसको पार्टी में बुला रहे हो ना तो ये हैप्पी जब ही रहेगा जब एटमोस्ट इतने लोग ही पूरी पार्टी में इससे रिचर होंगे और बी आई क्या है कि एटमोस्ट इतने लोग ही इससे पुअर रहेंगे रिचर पूरा हम कैसे देख रहे हैं इनकी वेल्थ से और वेल्थ इज नथिंग बट जो इनका नंबर है मतलब जो इनका इंडेक्स नंबर यू कैन से राइट अब क्या चीज़ है कि अब तुम्हें तो पता है कि मैं सारे लोगों को तो पार्टी में बुला नहीं सकता क्योंकि क्या होगा कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे ना जैसे कि मैंने सारे लोगों को पार्टी में बुला लिया तो वन से से बड़े पांच लोग हो गए बट वन तो सिर्फ एटमोस्ट थ्री को ही अलाउ कर रहा था तो फिर वन अनहैप्पी हो गया ठीक है तो द पॉइंट पॉइंट क्या है पॉइंट क्या है पॉइंट यह है कि शी वॉन्ट्स टू इनवाइट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ही कैन इन्वाइट द पार्टी सो दैट एवरी इन्वाइटेड पर्सन वुड बी हैप्पी राइट कि जितने भी लोगों को बुलाया ना तो सारे लोग हैप्पी होने चाहिए और अगर सारे लोग हैप्पी हैं तो ऐसे मैक्सिमम कितने लोगों को हम बुला सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये तो आई होप्लम स्टेटमेंट तो क्लियर होना चाहिए अगर नहीं है तो एक बार अच्छे से पढ़ लो वॉस्ट करके सैम्पल्स को देखते हैं राइट क्विकली सैम्पल्स को देखते हैं <coughs> उस उस सैंपल क्या है ये अगर तुम देखोगे इनपुट फॉर्मेट क्या है कि पहले तो टेस्ट केस देंगे तुम्हें उसके बाद एन देंगे उसके बाद फिर वो ए आई बी आई देना स्टार्ट करेंगे रेजिकेंसी ए आई बी आई देना स्टार्ट किया तीन लोग हैं हमारे पास तीन लोग हैं तो तुम बोल सकते हो कि पहला बंदा वन है दूसरा टू है तीसरा थ्री है, है इनकी वेल्थ भी यही है अभी ए आई मतलब ए वन क्या है वन कॉमर टू तो मैंने बोला ए आई बी आई ये है वन तो ये है टू इसके लिए इसके लिए टू इसके लिए वन इसके लिए वन इसके लिए वन अब तुम्हें तो बताना है कि मैक्सिमम तुम कितने लोगों को बुला सकते हो पार्टी में सच दैट सब लोग हैप्पी रहे मैंने बोला ठीक है ट्राई करके देखते हैं क्या है मैंने बोला चलो वन को तो बुलाते हैं पार्टी में मैंने ऐसे सोचा मतलब मैं तो अभी ट्राई कर रहा हूँ मुझे पता नहीं कि क्या प्रोसेस चलना है तो ट्राई कर रहा हूँ चलो वन को बुलाते हैं मैंने बोला ठीक है अभी देखो वन का कंस्टेंट क्या है कि ये एक्चुअली में कितने हाउ मेनी रिचर होना चाहिए राइट एट मोस्ट हाउ मेनी कितने रिचर हो सकते हैं और ये पुअर अब अगर तुमने वन को बुला लिया है तो तुम्हें पता है कि एटमोस्ट एक बंदा और बस इससे रिचर हो सकता है कहने का ही मतलब अगर तुमने वन को बुलाया तो बस एक बंदा और यहाँ पे आ सकता है जो कि इससे रिचर होगा तो मैंने बोला चलो ठीक है टू को बुला लेते हैं और क्या वन से पुअर वाला कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहा है तुमने बोला कि चलो ठीक है मैंने देखा अगर मैंने वन टू को बुलाया पार्टी में तो वन से कितने लोग बड़े तुमने बोला एक तो मैंने बोला चलो ठीक है ये कंस्टेंट तो फुलफिल हो रहा है कि एटमोस्ट एक लोग बढ़े कि नहीं सिमिलरली कितने लोग छोटे मैंने बोला जीरो तो तुमने बोला चलो ठीक है ये भी सही है

आंसर विल बी नो क्यों क्योंकि तुम बस यही देख लो ना वन से कितने लोग बड़े हो गए यहाँ पे टू और थ्री मतलब दो लोग बड़े हो गए लेकिन वन एटमोस्ट कितने लोगों को अलाउ कर रहा है सिर्फ एक ही लोग को अलाउ कर रहा है कि जिससे बड़ा हो सकता है तो तुम वन टू थ्री को नहीं बुला सकते राइट right. फिर मैं बोला कि चलो ठीक है और कुछ तो अब द पॉइंट की अगर तुम थ्री को तीन लोगों को नहीं बुला सकते हो दो लोगों को बुला सकते हो तो आंसर टू ही होगा बट स्टिल मतलब हम और भी दो लोगों के पेयर बना के चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं मैंने बोला चलो टू थ्री को बुला सकते हैं क्या हमने बोला कि चलो टू का देखते हैं टू से कितने लोग बड़े हैं तो मैंने बोला एक ही लोग बड़ा है टू एक को एटलीस्ट एक को अलाउ कर रहा है तो तुमने बोला हाँ कर रहा है मैंने ये फुलफिल हो रहा है टू से कितने लोग छोटे हैं जीरो अलाउ थ्री से कितने लोग बड़े हैं जीरो तो ये भी अलाउ थ्री से कितने लोग छोटे हैं एक ही है एटमोस्ट एक को ही अलाउ कर भी रहा है तो ये भी अलाउड टू थ्री भी एक वैलिड पेयर है सिमिलरली वन थ्री भी एक वैलिड पेयर हो जाएगा पेयर मतलब वन थ्री भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिनको तुम बुला सकते हो पार्टी में सच दैट एवरी पर्सन इज हैप्पी आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशन राइट कौन सा वाला कॉम्बिनेशन ऐसा है जो जिसका साइज सबसे ज्यादा है मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज्यादा लोग आए द आंसर इसका भी साइज टू है इसका भी साइज टू है इसका भी मैक्सिम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल्स आंसर हेयर इज टू सिमिलरली तुम इन पे ट्राई कर सकते हो सैम्पल्स की आंसर क्यू वन और टू आ रहा है ठीक है ओके तो आई थिंक अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा अभी कैसे अप्रोच किया जाएगा इस प्रॉब्लम को मतलब अप्रोच कैसे करेंगे तो पॉइंट इसकी प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है ना क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जिनको हम बुलाएंगे पार्टी में और वो लोग हैप्पी भी होने चाहिए सबके सब तो मैंने बोला कि चलो ठीक है अभी तुम मेन प्रॉब्लम को भूल जाओ मैंने क्या बोला तुम मेन प्रॉब्लम को भूल जाओ तुम एक ए, मैं तुमको एक वेरिएशन दे रहा हूँ प्रॉब्लम का तुम पहले उसको सॉल्व करो अब तुम पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अभी अभी तुम्हें ये सब कुछ मत पूछो अभी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अभी तुम मेन प्रॉब्लम को तो भूल जाओ अभी तुम ये वाली प्रॉब्लम मैं, मैं तुमसे एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ कि गिवन के राइट कैन यू इनवाइट कैन यू इनवाइट एग्जैक्टली के पीपल टू द पार्टी एग्जैक्टली के पीपल टू द पार्टी सच दैट एवरी वन शुड बी हैप्पी मैंने क्या बोला कि मुझे मैंने मुझे तो एक्चुअली मैक्सिमम वो निकालना था ना कि कितने लोगों को मैं बुला रहा हूँ बट मैंने बोला अभी वो तो प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट है थोड़ा सिंपलर वर्जन प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं ना ये तुम तो आगे देखोगे हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं मैंने क्या बोला कि मैं तुम्हें एक कोई पर्टिकुलर के दूंगा कुछ भी तुम्हें मुझे बताना है कि क्या हम एग्जैक्टली exactly के लोगों को बुला सकते हैं क्या पार्टी में सच दैट एवरी इज हैप्पी तुम अभी इस बारे में सोचो अब इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें एक के दूंगा और तुम्हें मुझे कुछ चेक करके कुछ इंप्लीमेंट करना है एक चेक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है दैट so वो के लेगा और बताएगा कि क्या के को बनाना मतलब के को तुम बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते मतलब एक्जैक्टली exactly के लोगों को तुम बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो मुझे मैक्सिमम मिनिमम से कोई मतलब नहीं है अभी तुम तो मुझे ये बताओ लच्छा मैंने तुमसे बोला कि तीन लोगों को बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो तो तुम्हारा तुम्हारा ये जो चेक फंक्शन है ना या तुम किसी तरह मतलब इसको इंप्लीमेंट कर पाओ या प्रोसेस बना पाओ That, चेक फंक्शन मुझे बताएगा कि कोई भी के के लिए एक्जैक्टली exactly के लोगों को हम बुला सकते हैं कि नहीं सच डी वन मस्ट बी है वही तो चीज़ है <coughs> मैंने बोला ठीक है मैंने बोला तो ठीक है तो लेट्स ठीक है तो मतलब वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है अब टू ऐसे एन है और तुम्हें पता है कि इनका कुछ ए आई है इनका कुछ बी आई है राइट right? इसका ए वन बी वन होगा ए टू बी टू होगा ये तो इनपुट पे डिपेंड करता है बट तुम्हें पता है कि इनकी वेल्थ तो यही यह है यह राइट ए थ्री बी थ्री है एंड सो ऑन अभी तुम ऐसा समझो अब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो राइट कि अगर तुम्हें कोई, कोई कोई बोलता है कि तुम कई लोगों को एग्जैक्टली के लोगों को इन्वाइट exactly कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तुमने बोला ठीक है इसको अगर हमें चेक करके बताने है तो हम क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है अगर हम कई लोगों को इन्वाइट कर रहे होते सोचो तो वो जो रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन है वो ऐसा कुछ दिख रहा होता ना आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई के तक करेक्ट और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कॉम्बिनेशन इसी तरह से रखा है कि इनका वेल्थ जो है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट मतलब अगर मैंने जैसे कि यहाँ से तीन लोग को उठाने का था तो मैं ऐसे ही उठाऊँगा जैसे ये फर्स्ट बंदा है मान लो ये सेकेंड है और ये कोई थर्ड है यहाँ पे तो मैंने वेल्थ वाइज ही इनको शॉर्ट करके रखा हुआ है ठीक है तुम्हें तो पता है कि अगर तुम के लोगों को बुला पा रहे हो तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा एग्री हम्म तो अब मुझे तो बस ये बताना है ना कि हम के लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इन इन लोगों में से दस दैट एवरी वन मस्ट बी हैप्पी मैंने बोला ठीक है मैंने बोला ठीक है मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाई मैंने बोला अगर कोई किसी भी एलिमेंट को मैं आई वन के लिए चूज करता हूँ तो मुझे ये पता है कि आई वन से ये लोग सब बड़े हैं वेल्थ वाइज क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया कि मैंने वेल्थ वाइज इनको रखा हुआ है तो मुझे ये पता है यार कि जो आई वन से के माइनस वन लोग क्योंकि टोटल तो के है ना तो ये कितने लोग हुए के माइनस वन लोग हुए ना तो मुझे क्या पता है कि आई वन से के माइनस वन लोग तो बड़े हैं और कितने लोग छोटे हैं मतलब छोटे बड़े छोटे मैं बोल रहा हूँ मतलब रिचर और पुअर ठीक है थीके? कितने लोग छोटे तुमने तो बोला जीरो अब एक बात बताओ कि आई वन पे कौन आ सकता है इन सब में से मैं बोलूँगा आई वन पे वही बंदा आ सकता है जिसका जो ए वन है ना जो ए वन कंस्टेंट है वो के माइनस एटलीस्ट के माइनस वन तो होना ही चाहिए क्योंकि लेट से अगर आई वन लेट से के वैल्यू फाइव है तो तुम्हें तो पता है कि यहाँ पे चार बंदे जो हैं इससे बड़े बढ़े तो मतलब है कि इसको एटलीस्ट चार लोगों को तो अलाउ करना पड़ेगा ना यार अपने से रिचर होने का अब लेट से कि यहाँ पे वन है और ये सिर्फ तीन लोगों को ही अलाउ करता है तो, तो तुम ये थोड़ी बोल दोगे कि ए वन जो है मतलब सॉरी ये जो वन है वो यहाँ पे यहाँ पे आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि अगर वन आ रहा है तो वन तो सिर्फ एट मैक्स तीन लोगों को ही अलाउ करेगा

करेक्ट सिमिलरली फॉर i2 अगर तुम देखोगे कि तो कितने लोग बढ़े हैं i2 से तो मैं बोलूंगा k माइनस टू राइट ये हट गया बस तो k -2 k -2. तो k k लोग लोग मैंने बोला कितने छोटे हैं तुम्हें पता है एक छोटा है तो जो i2 है वो इनमें से वही बंदा हो सकता है जिसका जो ए आई बी आई है वो एटलीस्ट इतना इतना हो सिमिलरली फॉर आई थ्री है ना तुम आई थ्री का कैसे निकालोगे तुम्हें पता है कि ये वैल्यू एक से घट रहा है बार बार तो यहाँ पे k माइनस थ्री आएगा और ये वैल्यू एक से बढ़ रहा है बार बार तो यहाँ पे टू आएगा समझ आ रही है बात तो अगर अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो मैंने बोला कि मुझे इतना समझ आ गया है कि आई वन वही वही बंदा आएगा इनमें से जिनका ए आई और बी आई जो है वो एटलीस्ट इतना इतना होगा तो मैंने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं आई वन के लिए कौन कौन से पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं अब तुमने देखा तो तुम्हें एक तो ये मिल गया पॉसिबल कैंडिडेट्स कि इसका मतलब टू क्यों है पॉसिबल कैंडिडेट कि चलो ऐसा तुम्हें मिल गया कि जो ए टू है वो के माइनस वन से बड़ा है बी टू जो है वो जीरो से बड़ा है तुमने बोला कि हाँ ये तो पॉसिबल कैंडिडेट है मेरा आई वन के लिए सिमिलरली लेते तुम्हें एक फाइव भी मिल जाता है और यहाँ पे कुछ और भी मिल जाता है पॉसिबल कैंडिडेट्स अब मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि तुम्हें आई वन के लिए इनमें से इतने पॉसिबल कैंडिडेट्स आ रहे हैं कौन सा चूज़ करना चाहिए कौन सा चूज़ करना चाहिए तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है यार कि अगर लेट से कि तुम ये ये फाइव चूज करते हो आई वन के लिए तो अब तुम्हें पता है कि बाकी के जो लोग हैं वो फाइव से बड़े ही होंगे क्योंकि आई टू तुम्हें पता है ना कि ये आई वन से बड़ा है इसका ये मतलब है कि बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए तुम्हारी सर्च स्पेस ये है बट अगर मैं आई वन को टू टू बोल देता हूं कि यार आई वन टू सही है तो फिर बाकी के लोगों को सर्च करने के लिए तुम्हारी सर्च स्पेस इतनी बड़ी है अरे बात समझ में द पॉइंट इज ऑप्टीमल ऑप्टीमली इट इज गुड कि तुम्हें जितना जल्दी कोई एलिमेंट मिल रहा है ना उसको ले लो उसको पकड़ लो क्योंकि अब आई टू के लिए आई टू तुम्हें बताया कि आई वन से बड़ा है रिच वैल्यू वाइज तो अब आई टू के लिए ले अगर पॉसिबल कैंडिडेट्स ये है आई टू के लिए ठीक है अभी मतलब आई टू के लिए लिख रहे हैं और लेट से ये यहाँ पे कोई है और लेट से यहाँ पे कोई है तो तुम इसको ले सकते हो ना आई टू के लिए अगर तुमने आई वन के लिए टू ले रखा है बट अगर तुम आई वन के लिए फाइव लेते हो तो तुम फिर इसको वेस्ट कर रहे हो समझ रहे हो ना और अपनी सर्च स्पेस भी कम कर दे रहे हो तो द पॉइंट इज तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये ये इतना थोड़ा ड्रॉइंग करके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुमने आई के लिए चेक किया कि तुम्हें यार एटलीस्ट इतने लोग तो चाहिए मतलब दोनों ए AI इतना होना चाहिए किसी बंदे का और बी इतना होना चाहिए अब तुम्हें ये पॉसिबल कैंडिडेट्स मिले तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सबसे पहले मिल रहा है ना उसको ले लो अब I2 को ढूंढो इस इस स्पेस में I2 को ढूंढो अरे बात क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि आई टू आई वन से बड़ा है अरे ना बात समझ में और जैसे ही मुझे आई स्पेस में जो भी सबसे पहला बंदा मिल गया आई टू का से कि ये बंदा मिल गया तो मैं बोला कि ये आई टू हो गया अब मैं आई थ्री इस स्पेस में ढूंढूंगा कहने का ये मतलब है यार कि एक्चुअली वी कैन चूज राइट कि आई वन कौन होगा आई टू कौन होगा अगर हमें पता है पॉसिबल कैंडिडेट तो लेट मी जस्ट वो अंडू कर लेने दो हाँ अभी द पॉइंट है कि अगर मुझे मुझे के लोगों को असाइन करना है ओबियसली मुझे के लोगों को असाइन करना होगा अगर मुझे चेक करना है ये चीज़ तो मैं क्या बोलूंगा चलो ठीक है ऐसे चलते जाओ यहाँ से मैं इस पर ऐसे हाइट्रेट करता जाऊँगा और चेक करता जाऊँगा कि अभी मुझे मैं किसके मतलब मेरा मैं किसके बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेरी किस मतलब किसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ किसी बंदे को द पॉइंट है कि मैं सबसे पहले तो आई के लिए ढूंढूंगा राइट ऐसा समझो कि मैं ऐसे आईट्रेट चालू कर दिया यहाँ से मेरा फर्स्ट पॉइंटर जो है वो यहाँ पे है और मेरा एक और पॉइंटर जो है वो यहाँ पे है ठीक है कि मैं यार आई वन को अभी ढूंढ रहा हूँ मैंने बोला क्या वन आई जो तुम जिस भी बंदे के लिए तुम ढूंढ रहे हो क्या वन उसका एक पॉसिबल कैंडिडेट है क्या तो तुमने बोला यार नहीं है नहीं क्योंकि तुम्हें पता है कि जो आई वन के लिए पॉसिबल कैंडिडेट है लेट से ये टू है और फाइव है कुछ तुमने बोला कि नहीं वन तो नहीं है तो मैंने बोला ठीक है मैं तो आगे बढ़ूँगा मेरे को मेरे को तो बस ऐसे हाइट्रेट करना है मैंने बोला ठीक है मैं चेक किया क्या टू पॉसिब क्या टू पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या जिस भी बंदे जिस भी पोजिशन के लिए तुम ढूंढ रहे हो क्या टू वहाँ पे आ सकता है क्या तुमने बोला हाँ आ सकता है तो मैंने क्या बोला कि ठीक है टू को ले लो और ये जिस भी बंदे को तुम ढूंढ रहे हो ना अब उसको आगे बढ़ा दो क्योंकि अब अगर तुमने आई, आई -वन को फिक्स कर दिया अब तुम आई टू को ढूंढोगे ना और आई टू को ऑब्वियसली तुम जो आगे की स्पेस है उसमें ढूंढोगे तो तुमने जो बोला मतलब मैंने जो अभी डिस्कस किया था वो सही चल रहा है अब मैंने बोला ठीक है हम आगे बढ़ गए या, क्या ये थ्री, क्या ये थ्री पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या जिस है, आगे बढ़ जाओ। ये फोर पॉसिबिलिटी होगी हो कि नहीं कैसे चेक करेंगे तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना है ए आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ना उससे और बी आई शुड भी ग्रेटर टू यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे।, उससे क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे अभी हमने देखा के माइनस वन फिर के माइनस टू को वन आएगा सेकेंड पोजिशन के लिए फिर थर्ड पोजिशन के लिए के माइनस थ्री को टू आएगा राइट तो बस पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये तो काफ़ी जल्दी चेक हो जाएगा राइट मैं बोलूंगा ठीक है क्या क्या फोर्थ जो बंदा है फोर्थ पोजिशन मतलब जिसका वेल्थ फोर है क्या वो ये जिस भी पोजिशन को के लिए अभी तुम ढूंढ रहे हो सर्चिंग तुम्हारी चालू है क्या वहां पर फिट हो सकता है अगर हाँ लेट से, लेट से अगर हमने देखा कि हाँ अगर ए आई इससे बढ़ाए बी आई इससे बड़ा है तो मैंने बोला ठीक है इसको आई टू के लिए असाइन कर दो और तुम जिस भी बंदे को ढूंढ रहे हो उसको बढ़ा दो अब अब मैं आई थ्री को ढूंढ रहा हूँ तो द पॉइंट इज अगर मैं आई को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे पता ही है ना कि मेरी सर्च स्पेस ये है मैं तो शुरुआत से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं तो चलता जाऊंगा अपना ऐसे हरी बात समझ क्योंकि तो मुझे पता है आई अब आगे ही मिलने वाला है आई पीछे से थोड़ी मिलेगा इसीलिए मैं यहाँ पे चलता जा रहा हूँ और मैं मतलब चेक करता जाऊँगा कि क्या ये बंदा जो है क्या ये क्या ये जो बंदा है वो जिसको मैं अभी ढूंढ रहा हूँ जिस पोजीशन पर उसके लिए फिट है क्या अगर फिट है तो इसको पकड़ो और इसको जिस भी पोजिशन को तुम ढूंढ रहे हो उसको अपडेट कर दो अरे बात समझ में अरे ना बात समझ में और ऐसा करते करते अगर मैं सारी पोजिशन को के लिए लोग ढूंढ पाया अगर मैंने सारी पोजिशन के लिए लोग ढूंढ लिए तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ मैं अगर तुम मुझे के दोगे तो मैं एग्जैक्टली exactly पीपल को इनवाइट कर सकता ठीक <coughs> है तो ये मुझे चेक करने में कितना टाइम लगेगा अगर तुम देखोगे चेक करने में मुझे कितना तो मैं बोलूंगा कि यार मैं तो बस यहां से यहां मूवी तो कर रहा हूं और ईच टाइम आई आई जस्ट चेक क्या ए आई और बी आई जि, जिस भी पोजिशन पर तुम ढूंढ रहे हो ना जैसे जैसे कि तुम किसी आई एक् एक्स पोजिशन के लिए ढूंढ रहे हो तो क्या उसके लिए जितना ए आई चाहिए था उससे बड़ा है क्या उसके लिए जितना बी आई चाहिए तो ये तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में मतलब ऑर्डर ऑफ वन टाइम में पॉसिबिलिटी चेक होगी मैं बोलूंगा कि मैं बस ये एरे पे आई ही कर रहा हूँ इसका ये मतलब है कि तुम चेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कर सकते हो तुम क्या चेक कर सकते हो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कि अगर मुझे कोई के देगा कुछ भी रैंडम के तो क्या मैं एग्जैक्टली के पीपल को बुला सकता हूँ कि नहीं सच दैट एवरी वन मस्ट बी हैप्पी तुमने वही तो मेक श्योर sure किया ना ये ये चेक करके क्योंकि तो तुम्हें पता था कि इस पोजिशन पर जो भी बंदा होगा उस वो उससे के माइनस वन लोग तो बड़े ही हैं तो उसी बंदे को यहाँ पे बुलाओ जिसका जो ए आई है वो एटलीस्ट के माइनस वन हो और बी आई जो है वो एटलीस्ट जीरो हो समझ में आ रही है ना बात तो ये हम इसीलिए चेक करें कि यार बंदा हैप्पी रहना चाहिए राइट सैड हुआ तो फिर नहीं मतलब ये गलत हो जाएगा सैड हुआ तो किसी किसी को भी दुखी नहीं रहना चाहिए राइट तो एक जनरल टेप है कि तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए हमेशा खुश रहो भले तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो रहे फिर भी तुम्हें अब सॉल्व करना चाहिए ऑब्वियसली मतलब ये वीडियो देखो मेरे वीडियो देखो और आराम से अब सॉल्व करो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो जोक्स अ पार्ट तो अभी द पॉइंट इज़ कि तुम्हें पता है कि कोई भी अगर मैं तुम्हें के देता हूँ राइट तो तुम चेक करके मुझे बता दोगे कि क्या एग्जैक्टली exactly के पीपल को बुलाना पॉसिबल है कि नहीं राइट right? क्योंकि तुम क्या करोगे ना कि ये 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 जो भी प्रोसेस किया वही प्रोसेस करोगे तुम बस ये चेक कर लोगे कि क्या हमने सबके लिए फ़िक्स कर दिया क्या एलिमेंट सबके लिए कर दिया तो फिर रिटर्न कर दो ट्रू और अगर बोले से कि मैं सिर्फ शुरुआत के कुछ ही लोगों के लिए कर पाया आगे के लिए कर ही नहीं पाया तो मैं बोलूँगा नहीं कर पाया सबके लिए तो फॉल्स कर दूंगा सही है ना ठीक है इसका ये मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछूँ कि क्या कोई पर्टिकुलर मतलब क्या ये क्या थ्री पॉसिबल है क्या तीन तीन लोगों को बुलाना है एग्जैक्टली exactly, तो तुम मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर दे सकते हो करेक्ट ठीक है अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया है तो अभी अभी काफ़ी ईजी हो गया प्रॉब्लम देखो अब मैं क्या बोलूँगा ना अब मैं ये बोलूँगा कि ठीक है अब लेट्स से कि एन पीपल है मेरे पास तो मुझे पता है कि जो आंसर है वो क्या हो सकता है वो आंसर वन हो सकता है या टू हो सकता है मतलब लेट्स से मैंने टू लोगों को बुलाया दो लोगों को बुलाया या मैंने तीन लोगों को बुलाया या मैंने चार लोगों को बुलाया ऐसे करते करते मैंने लेट से एन लोगों को बुलाया आंसर तो इन्हीं में से कुछ होगा ना तो मैं क्या बोला मैं तो यार मैंने बोला चलो कि ठीक है हम क्या करेंगे एक एक करके चेक कर लेंगे सबको एक एक करके चेक कर लेंगे मैं बोलूँगा चलो ठीक है क्या वन पॉसिबल है क्या तो मैं बोलूँगा यार तुम चेक वन चेक वन को कॉल करो तुम्हें पता है ना चेक फंक्शन कैसे लिखना है अभी ऊपर डिस्कस किया अब चेक वन मुझे बताएगा कि क्या पॉसिबल है कि नहीं तो लग से चेक वन ने बोला कि हाँ एक बंदे को तो बुला सकते हैं अब मैं मैंने बोला चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ फिर तो मैंने टू पर चेक किया मतलब यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ पॉसिबल है कि नहीं आंसर टू पर चेक किया तुमने बोला ठीक है चेक टू कॉल करेंगे चेक टू ने बोला ट्रू है भाई टू को भी बुला सकते हो तुम मैंने बोला चलो ठीक है थ्री को कॉल किया उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास तो चेक फंक्शन है वो मेरा काम करेगा ही करेगा चेक ने भी इसको ट्रू दिया जैसे मैंने फ़ोर पे कॉल किया चेक फोर अब चेक फोर ने क्या बोला कि नहीं यार चार लोगों को तो नहीं बुला पाओगे तुम ठीक है तो अब मैंने चेक फाइव पे कॉल किया अगर तुम चार लोगों को ही नहीं बुला पा रहे हो तो पांच लोगों को तो बुला ही नहीं सकते तो चेक फाइव भी फॉल्स आएगा फिर आगे सब लोग फॉल्स ही आते रहेंगे तो जैसे ही मुझे फर्स्ट फॉल्स मिलेगा मैं बोल दूंगा कि इसके पीछे वाला जो बंदा है ना वो मेरा आखिरी ट्रू है और वही मैं मैक्सिमम बुला सकता हूँ लोगों को मैं तो ऐसे एकदम लीनियरली चलूंगा और मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं बोला तो हाँ सही तो लग रहा है तुम्हारा अप्रोच बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की तो तुम बोलोगे कि एट वर्स्ट मतलब मैं सब पे चेक कर रहा हूँ तो एट वर्स्ट मैं ऑर्डर एन कर रहा हूँ मैं सब पे चेक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ राइट एज यू कैन सी चेक फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया हम्म अब मैं थोड़ा सा उदास हो गया राइट क्योंकि ऑर्डर ऑफ फेंस स्क्वायर नहीं चल पाएगा यहाँ पे एज यू कैन सी तो मैंने बोला ओके okay. मैंने बोला ओके okay. अब तुम ये ध्यान से इस एरे को देखना ठीक है ये पॉसिबिलिटी जो आई है एज यू कैन सी कि शुरुआत में तो कुछ ट्रू आए उसके बाद फॉल्स आए और दिस विल बी एक्चुअली ट्रू क्योंकि अगर तुम तुम ये आंसर है तुम्हारा आंसर रेंज जो कि वन से टू थ्री फोर अप टू एन तक हो सकता है मैंने बोला ठीक है क्या पॉसिबिलिटी क्या है सब आंसर्स की ये बताओ तो तुम्हें पता है राइट कि शुरुआत में तो कुछ ट्रू आएंगे क्योंकि ये पॉसिबल है फिर फॉल्स आना चालू होंगे क्योंकि लेट्स से कि तुम नहीं बना पा रहे हो और तुम्हारा आंसर क्या है तुम्हारा आंसर क्या होगा ये लास्ट ट्रू तुम्हारा आंसर क्या होगा कि लास्ट ट्रू किस इंडेक्स पे आया है वही मेरा आंसर है अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें तो अभी और काफी सिंपल है अभी इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग लीनियरली कि यार चलो आइट्रेट करते जाओ है ना लीनियर आइट्रेशन करो लीनियर सर्च करो और लास्ट ट्रू को फाइंड आउट करो कैन वी डू समथिंग स्मार्ट इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग ऐसे करके और मैं फिर लास्ट ट्रू को खोज रहा हूँ कैन वी डू समथिंग स्मार्ट टू फाइंड आउट दिस लास्ट ट्रू द आंसर इज यस वी कैन एक्चुअली यूज बाइनरी सर्च राइट वी कैन एक्चुअली यूज बाइनरी सर्च कैसे बाइनरी सर्च कैसे करेंगे मैं बोलूंगा ठीक है ये तुम्हारा आंसर रेंज है राइट ये तुम्हारा आंसर रेंज है तो ऐसे सोचो ये तुम्हारा फुल आंसर रेंज अब पाइन सर्च में हम लोग क्या करते हैं पहले मिड निकालते हैं तो लेट्स से मिड ये लेट्स से मिड यहाँ पे कुछ आया ये मिड है अगर मैंने बोला ठीक है तुमने मिड निकाला मैंने पॉसिबिलिटी चेक की मिड की मुझे पता है ना पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए चेक ऑफ मिड कॉल करना पड़ेगा तो मैंने बोला क्या बोला अगर चेक ऑफ मिड इज फॉल्स तो मुझे क्या करना चाहिए अब देखो हमें क्या ढूंढना है हमें ये लास्ट ट्रू का इंडेक्स ढूंढना है राइट लास्ट ट्रू अब एक बात बताओ अगर तुम फॉल्स पे खड़े हो तो क्या तुम्हें क्या तुम्हें आगे के लोगों को दू... पे जाने की जरूरत है क्या नहीं राइट क्योंकि अगर तुम फॉल्स पे खड़े हो तुम्हें पता है आगे तो सब फॉल्स ही होने वाले हैं तो तुम्हारा जो आंसर है ना वो इधर इधर तुम्हें मिलेगा लेफ्ट में तो मैं बोलूंगा कि यार मूव लेफ्ट करो मैं क्या बोलूंगा मूव लेफ्ट करो करेक्ट एल्स अगर लेट्स से चेक ऑफ में ट्रू आ जाता है तो अगर तुम तो मूव लेफ्ट कर दिए ना से तो तुम अगर देखोगे तो अब तुम्हारी जो रेंज है ना वो ये हो चुकी है देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ लेट्स से कि तुम्हारा ये मिड था तुमने मूव लेफ्ट किया तो तुम्हारी रेंज अब ये हो चुकी है ये ठीक है ना अब लेट्स से तुम्हारा मिड ये बंदा आ गया अब मैंने चेक किया मिड का चेक ऑफ मिड क्या है चेक ऑफ मिड मतलब कोई पॉसिबल पॉसिबल है कि नहीं मेड बनाना देखा कि यार ये तो ट्रू है तुमने क्या देखा ये तो ट्रू है तो मैं क्या बोलूंगा अब ये बताओ कि क्या मुझे ये पीछे वालों को पीछे को देखना चाहिए क्या ऑब्वियसली नहीं क्योंकि अगर ये ट्रू है तो पीछे वाले सब ट्रू हैं और मुझे तो लास्ट ट्रू की वैल्यू चाहिए ना तो पीछे वाले तो ऑबियसली लास्ट नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट तो या तो ये होगा लास्ट या फिर कोई आगे एग्जिस्ट कर रहा होगा ट्रू जो कि लास्ट होगा करेक्ट तो मैं बोलूंगा कि यार ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की तो मैं बोलूंगा कि आंसर को अपडेट कर दो आंसर को अपडेट कर दो इस पर्टिकुलर मिट से क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना मुझे ट्रू मिला है और अब मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मैं बोलूँगा राइट right मुड़ जाओ क्योंकि राइट right में ही आंसर अगर होगा और इसके अलावा तो राइट right में ही मिलेगा लेफ्ट में नहीं मिल सकता मैंने बोला ठीक है हल से आंसर को मिट कर दो मतलब अपडेटिंग आंसर और मैं बोला कि मूव राइट right कर दो अभी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी बाइनरी सर्च तुम्हें पता है तुम्हें पता होगा या तो तुम मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो तो तुम्हें पता है कि मूव लेफ्ट जो है इसका ये मतलब होता है कि लेट से अगर ये l है ये r है और ये mid है तो लेफ्ट मूव करना मतलब लेफ्ट मूव करना मतलब तुम्हारी रेंज ये बन गई राइट right? तो r जो है वो अब ये mid 1 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा r is equal to mid 1 और राइट right मूव करना मतलब तो तुम फिर से ये एग्जांपल ले सकते हो ये l है ये r है ये mid है राइट right मूव करना है मतलब तुम्हारी रेंज जो है वो ये हो रही है तो इसका ये मतलब है कि जो l है ना वो mid plus one हो जाएगा। तो मैं Alice mid plus one। और अगर तुम ये कर पा रहे हो तो इवेंचुअली मतलब तुम प्रिंट कर दोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे जिनको तुम इनवाइट कर सकते हो तो बाइनरी सर्च से फायदा क्या हुआ सर्चिंग कर रहे थे ना तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था और हर सर्च पर कॉल कर रहे थे तो वो भी है। से फायदा क्या हुआ कि तुम सर्च सिर्फ लॉगरिथमिक मतलब जो लॉगरिथमिक साइज है ना रेंज का जो कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन इतने ही लोगों को सर्च करोगे उससे क्या होगा उससे क्या होगा कि तुम हर बार हर बंदे पे ऑर्डर ऑफ है ना चेक करोगे राइट चेक कॉल करोगे अब ये अप्रोच एन स्क्वायर से ऑप्टिमाइज होके एन लॉग इन हो चुकी है देख सकते हो और n लॉग इन चल जाएगा n लॉग इन चल जाएगा तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों सोचा था मतलब शुरुआत में कि यार पर्टिकुलर आंसर पर चेक करते हैं कि आंसर क्या है हो सकता है जब भी हम लोग अभी हमने क्या किया ना कि अभी हमने बाइनरी सर्च और आंसर लगाया अगर तुम ध्यान से देखोगे ये आंसर तो पॉसिबल आंसर ये सब हो सकते थे राइट आंसर की रेंज है ये और मैं सभी आ, मैं बाइनरी सर्च लगा दिया इन्हीं आंसर पर क्योंकि मुझे पता है कि जो पॉसिबिलिटी है ना वो कुछ इस टाइप की दिखती है पहले तो कुछ कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए ट्रू रहेगा उसके बाद फिर आएगा तो फॉल्स ही आता जाएगा और मुझे ये लास्ट ट्रू का वैल्यू निकालना है जो कि मैं एक्चुअली मैं डिसीजन ले सकता हूँ हर बार तो मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ लॉगरित में मेरा काम हो रहा है तो जब भी हम बाइनरी सर्च और आंसर के प्रॉब्लम्स करते हैं ना तो सबसे पहले तो तुम्हें ये मेक श्योर sure करना है सबसे पहले तो तुम्हें क्या मेक श्योर sure करना है कि जो पॉसिबिलिटी वाला जो चीज़ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं कि पहले तो कुछ ट्रू आ रहे हैं फिर कुछ फॉल्स आए जा रहे हैं या फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहले कुछ फॉल्स आए फिर ट्रू आए जा रहे हैं फिर प्रॉब्लम तुमसे ये फर्स्ट ट्रू का वाली पूछ रहा है ऐसा भी हो सकता है कई बार तुमसे पूछा जाता है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स राइट तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं कि एकदम मिनिमम तुम्हें बताना है द पॉइंट इज कि अगर जब भी तुम बाइनरी सर्च और आंसर लगा रहे हो तो मैं चेक करना है कि जो पॉसिबिलिटी वाला चीज़ है ना कि पॉसिबल आंसर है कि नहीं ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं कि पहले कुछ ट्रू फिर फॉल्स या पहले कुछ फॉल्स और फिर ट्रू अगर ऐसा है तो तुम क्या तो फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्या तुम चेक कर सकते हो कि नहीं कि कोई पर्टिकुलर आंसर ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि ये चेक फंक्शन तुम्हें लिखना पड़ेगा ना किसी भी पर्टिकुलर के लिए तुम्हें सिर्फ इसका अगर वर्डिक जानना है तो क्या तुम वर्डिक जान सकते हो कि नहीं किसी पर्टिकुलर आंसर के लिए तो दैट्स वाई मैंने तुमसे बोला था कि तुम तो ऐसे सोचो तुम तो ऐसे सोचो कि किसी भी पर्टिकुलर आंसर के लिए क्या हम जान सकते हैं कि नहीं कि अगर हम एग्जैक्टली किए पीपल को इन्वाइट कर पा रहे हैं कि नहीं वो मैंने इसीलिए बोला था कि तुम क्या करते हो बाइनरी सर्च में कि तुम्हें अगर पता है कि चलो ठीक है आंसर तो ऐसा दिख रहा है पॉसिबल आंसर जो है वो ऐसा दिख रहा है बट क्या हम किसी भी पर्टिकुलर पर किसी भी पर्टिकुलर मेड के लिए निकाल पाएंगे कि नहीं कि इसका जो वर्डिक्ट है ये ट्रू है या फॉल्स है अरे बात समझ में तो इसलिए चेक फंक्शन एक चेक फॉर एनी पर्टिकुलर आंसर ये अगर हम कर पा रहे हैं ये फर्स्ट कंडीशन और अगर आंसर का जो पॉसिबल वो है वो इस टाइप का दिख रहा है

बट स्टिल हम कोड देख लेते हैं एक बार जस्ट टू बी क्लैरिटी तो चलो देख लेते हैं कोड तो एज यू कैन सी एज यू कैन सी मैंने क्या किया है मैंने एल और आर डिफाइन किए हैं क्योंकि एल जो है वो मिनिमम वैल्यू जो कि आंसर की होगी वो वन हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदे को तुम हर बार बुला ही पाओगे और मैक्सिमम जो है आंसर का रेंज वो एन हो सकता है जो कि हमने यहाँ पे किया भी था वन से एन तक अब मैं चेक कर रहा हूँ मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर मिड निकालो मिड क्या होता है एल प्लस आर बाई टू अब मैं चेक कर रहा हूँ देखो चेकिंग फॉर दिस मिड और ए और बी जो है वो तो एरे हैं राइट इनके जो कंस्ट्रेंट थे ना ए आई बी आई अगर ये चेक ट्रू है अगर ये चेक ट्रू है देखो यहाँ पे देखो अगर ये चेक ट्रू है तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे आंसर को अपडेट करना चाहिए और मुझे राइट right मूव कर जाना चाहिए राइट तो यही मैंने किया एल्स मुझे लेफ्ट मूव कर जाना चाहिए तो मैंने वही किया अब चेक फंक्शन कैसे लिखेंगे तो तुम्हें पता है चेक फंक्शन कैसे लिखेंगे देखो देखो मैंने चेक फंक्शन कैसे लिखा है तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ अब मैं ऐसे आइटरेट कर रहा हूँ राइट वन से लेकर जीरो से लेके ए डॉट साइज मतलब ऑब्वियसली ए नहीं होगा जितना ए का साइज है ना आई प्लस, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ क्या ये ए आई कैपेबल कैंडिडेट है क्या कैपेबल कैंडिडेट कैसे चेक करेंगे कि ये जो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू होगी इसके लिए लोअर मतलब कितने लोग पुअर चाहिए तुम बोलोगे जीरो कितने लोग आ, रिचर होना चाहिए मतलब इसके लिए तुम बोलोगे के माइनस वन विच इज नथिंग बट मिड माइनस वन क्योंकि तुम अभी पर्टिकुलर मिड के लिए चेक कर रहे हो और एवरी टाइम जब तुम इधर से अगर तुमने इसको मैच कर लिया ना आई वन को और तुम आई वन से आई टू मूव कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि ये जो वैल्यू है ये एक से कम हो जाएगी और ये वैल्यू एक से बढ़ जाएगी तो मैं वही कर रहा हूँ जब भी अगर मुझे ये पॉसिबल कैंडिडेट मिल गया पॉसिबल कैंडिडेट कैसे चेक करेंगे ऐसे चेक करेंगे देखो ए आई जो है वो ए आई एक से बड़ा होना चाहिए तुम ये देख सकते हो ए आई जो है वो अपर अपर मतलब ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसका जिसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ उसको कितने अपर लोग चाहिए तो तुम्हें पता है मैंने मिड माइनस वन से इनिशलाइज किया है तो अभी मिड माइनस वन मान लो और जो बी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये बी आई से बड़ा होना चाहिए जो कि लोअर है अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है कि मुझे एक ये ये वैल्यू मतलब जिस भी पोजिशन के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ उसके लिए बंदा मिल गया है तो मैं क्या बोलूँगा काउंट प्लस प्लस कि मतलब ऑब्वियसली मैं कितने लोगों को फिट कर चुका हूँ राइट ऐसा सोचो तुम और फिर मुझे क्या करना होगा तो मैं बोलूँगा कि ये जो अपर वाली वैल्यू है ये एक से कम हो जाएगी तो मैंने बोला वही किया और जो ये लोअर वाली वैल्यू है वो एक से बढ़ जाएगी यही तो देखा था ना मैंने अगर सेकेंड पोजिशन पर क्या चाहिए था ए माइनस टू को वन चाहिए था ना तुम देख रहे हो ये वैल्यू एक से कम हो रही है और ये वैल्यू एक से बढ़ रही है तो मैं वही कर रहा हूँ देखो और वंस मेरा जो काउंट है वो मिड हो गया तो मुझे पता है कि मैंने यार मिड लोगों को तो सेट कर लिया है मतलब मुझे मिड लोग ऐसे मिल गए जिनसे मैं मैं उनको अगर पकड़ूंगा तो सब लोग हैप्पी भी रहेंगे और ये लोग पार्टी में भी आएंगे मैंने बोला कि रिटर्न ट्रू कर दो कि हाँ यार मतलब हम लोग कर पा रहे हैं मिड के लिए आंसर और लेट्स से अगर मैं इतना पूरा फॉर लूप मतलब चला भी लिया फिर भी मुझे अकाउंट मिड हुआ ही नहीं मेरा कभी तो मैं बोल रिटर्न फॉल्स कर दो नहीं हो पा रहा है बस तो ये चेक फंक्शन बनाने के लिए ना हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि अगर वही मतलब जो मैंने तुम्हें बताया पाई सर्च और आंसर का कॉन्सेप्ट कि दो चीज़ें होनी चाहिए उसमें कि फर्स्ट क्या तुम चेक फंक्शन इंप्लीमेंट कर पाओगे किसी एक पर्टिकुलर आंसर के लिए और सेकंड क्या जो पॉसिबल आंसर है वो इस टाइप के दिख रहे हैं क्या कि पहले कुछ ट्रू आ रहे हैं फिर फॉल्स 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 आए जा रहे हैं या पहले कुछ फॉल्स आ रहे हैं फिर ट्रू 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 आए जा रहे हैं अगर ऐसा है तो तुम डिसीजन ले पाओगे और तुम वर्डिक भी पता कर पाओगे और तुम फिर बाइनिंग और आंसर भी कर सकते हो राइट तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो थोड़ा भी समझ आया हो या ऑब्वियसली आई गया होगा समझ में तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कोडेरा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अगर तुम्हारे तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीडबैक है राइट इफ यू हैव एनी थिंग टू से टू मी यू कैन जस्ट जस्ट राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन राइट आई बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्लीमेंट ऑन योर फीडबैक सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड या बाय